जो मशीन आप कहें वो मशीन बनती है, जैसे पेपर प्लेट से जुड़ी हुई सारी मशीन बनती है हमारे पास, आटा चक्की हो गया, पल्पलाइजर मशीन, और भी बहुत तरह के मशीनें हमारे पास बनती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सिवान बिहार। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे आरके इंजीनियरिंग के वर्कशॉप पर, जहां निर्माण होती है लघु उद्योग से जुड़ी हुई ढेर सारी मशीनें। तो हम इस वीडियो में उन मशीनों की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। और जी हाँ, आरपीआर लघु उद्योग से जुड़कर अगर आप इन मशीनों को खरीदते हैं तो आपको मिलता है लघु उद्योग से जुड़े हुए हर मशीनों पर स्पेशल डिस्काउंट। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर मिलेगी, तो जल्दी संपर्क करें। पहले आप अपना नाम बताइए। जी राजेश सिंह। राजेश सिंह, राजेश जी आपके यहाँ कौन कौन सी मशीनें बनती है और किस तरह की मशीनें हैं, क्या रेंज है, उनके बारे में बताइए थोड़ा सा। जी हमारे यहाँ लघु उद्योग से रिलेटिव सारी मशीनें बनती है, अगर जो मशीन आप कहें वो मशीन बनती है, जैसे पेपर प्लेट से जुड़ी हुई सारी मशीन बनती है हमारे पास, आटा चक्की हो गया, पल्पलाइजर मशीन, और भी बहुत तरह की मशीनें हमारे पास बनती है। अच्छा, यहाँ पर अभी जो पेपर प्लेट की मशीनें हैं और अलग अलग तरह की मशीनें हैं, इधर चलिए मशीन पहले देखते हैं। ये कौन सी मशीन है, इस मशीन के बारे में आप बताइए डिटेल में थोड़ा सा, इसका क्या काम है? ये तो थ्रेसर है। अच्छा, ये धान दौरी करने वाला थ्रेसर है। ओह, अभी एकदम न्यू है। तो धान का सीजन भी अभी चल रहा है, क्योंकि अभी धान रोपनी का टाइम चल रहा है, तो कुछ 2-3 महीने के बाद धान भी तैयार हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। उस टाइम इस मशीन काफी उपयोग होगा। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका क्या प्राइस है? इसका प्राइस 35 है, 35,000। 35,000। और ये इधर और मशीनें, चलिए मशीनें आप एक एक करके दिखाइए हमारे पास कौन कौन सी मशीन है, आप एक एक करके मशीन को खोल के भी देख सकते हैं। खोलिए खोलिए, अच्छा छोड़िए अभी इसको रहने दीजिए। और जो मशीन है खुला हुआ, ये इस मशीन के बारे में बताइए। ये पावर टिलर है। अच्छा, ये पावर टिलर है, ये खेत जुताई करने के लिए है, छोटे छोटे किसानों के लिए है पावर टिलर। इसका क्या प्राइस पड़ेगा? इसका प्राइस पड़ेगा इंजन लगा करके 60,000। अच्छा 60,000, जहाँ तक आप देख सकते हैं पावर टिलर अगर खेती करने के लिए लेते हैं तो 1.5 से 2 लाख, 2.5 लाख तक पड़ जाता है। लेकिन आरके इंजीनियरिंग में आपको लघु उद्योग छोटे स्तर पर करने के लिए आपको मात्र 60,000 में पावर टिलर मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल 60,000, और वो भी इंजन लगा करके एकदम। हाँ, बिल्कुल ये कमाल की चीज़ें हैं। और चलिए देखते हैं और भी कौन कौन सी मशीनें हैं, आइए इधर। ये यहाँ पर देख सकते हैं पेपर प्लेट की मशीनें हैं, पेपर प्लेट की ऑटोमेटिक मशीनें हैं। हाँ ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है, डबल डाई। डबल डाई, डबल डाई का मतलब क्या हुआ? मतलब ये दो डाई एक साथ में चलेगी, एक डाई इधर चलेगी, एक डाई इधर चलेगी, दो डाई एक साथ में चलेगी, एक ही मोटर से दोनों डाई चलेगी। अच्छा अच्छा, तो दोनों साइड एक ही बार में प्लेट बनेगा। हाँ एक ही बार में बनेगा। और इसमें केवल खाने का जो प्लेट है वही बनेगा कि और भी कई तरह के प्लेट बन सकते हैं? नहीं नहीं, इसमें जो प्लेट है 4 इंची से लेकर के आप 14 इंची तक बना सकते हैं। 4 इंची जो कटोरा होता है ना, छोटा कटोरी, हाँ, उससे लेकर के आप 14 इंची थाली तक बना सकते हैं। अच्छा, और दोनों साइड एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं? दोनों साइड। इसका क्या क्षमता है प्लेट बनाने का, 1 घंटे में कितने प्लेट बना सकता है? इसका क्षमता है अगर आप 12 इंची चला रहे हैं ना, तो 1,000 पीस बनेगा 1 घंटे का, दोनों साइड एक साथ चलेगा। हाँ दोनों साइड एक साथ, मोटर कैपेसिटी एक साइड से 1,000 पीस बनेगा। अच्छा दोनों साइड से, तो 2,000 हो गया। मोटर कैपेसिटी क्या है इसमें? मोटर कैपेसिटी 2 HP का होगा। मोटर के साथ देंगे ना? हाँ मोटर के साथ, फिनिश बिल्कुल बिल्कुल फिनिश। और इसमें बिजली खपत कितनी होती है? बिजली खपत इसमें है, मान लीजिए अगर आप पूरे महीने चलाते हैं तो 500 रुपये बिजली भी लाएगा। पूरे महीने का? पूरे महीने का 500 रुपये, अगर 10 घंटा रोज चलाते हैं तो बिजली बिल भी बहुत कम है। बहुत कम आता है बिजली बिल। और चलिए इधर देखते हैं कुछ और मशीनें हैं आपका। ये आटा चक्की मशीन है, यहाँ पर जैसे देख सकते हैं ये मशीनें आम आटा चक्की जो मशीनें होती है पहले ज़माने की, उससे थोड़ा डिफरेंट है, जो जिसमें कि पत्थर लगा होता था। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और ये मशीनें आपके मशीन में देख रहे हैं कि यहाँ पत्थर भी नहीं है, तो इस मशीनें के क्या खासियत है, इसके डिटेल थोड़ा बताइए। ये नया मशीन है, पल्पलाइजर मशीन है, पल्पलाइजर में पत्थर नहीं होती है, ब्लेडें होती हैं। अच्छा ब्लेड से चलती है। ये जो मशीन है बहुत हेवी मशीन है, इसमें जो है ना देखिए 6 ब्लेड बाहर है। अच्छा, और इसके अंदर 4 ब्लेड है। अच्छा, और ये चैम्बर साइज है इसका 14x8 और इधर 10x6, डबल चैम्बर की मशीन है। इसका प्रोडक्शन जो होता है काफ़ी हैवी होता है। अच्छा, तो
ये दो साइज की मशीनें हैं लगभग, ये छोटा मशीन है। अच्छा। ये छोटा मशीन है। उसकी क्या कैपेसिटी है? इसकी कैपेसिटी बस 20 केजी है, 20 केजी पर आवर। और इसकी 60 केजी, एक क्विंटल है, एक क्विंटल पर आवर। यानी कि छोटे मोटे के लिए काम के लिए इसका इस्तेमाल, घर के लिए, पर्सनल के लिए है, पर्सनल यूज के लिए उसका इस्तेमाल करें, और ये कमर्शियल यूज के लिए है। उसका क्या प्राइस पड़ता है? इसका प्राइस तो 14,000 रुपये है बगैर मोटर का। अच्छा, 14,000 रुपये। अब मोटर कितने का आ जाएगा? मोटर इसमें आएगा आपको, 2 HP का लगाते हैं तो अगर 7,500 का आएगा, अगर 3 HP का लगाते हैं तो वही 12,000-13,000 का पड़ेगा। तो मोटर आप उपलब्ध करा देंगे? हाँ, या मार्केट से मिल लेना पड़ेगा? मोटर अगर आपको चाहिए तो मोटर लगा के देंगे। मोटर लगा के ये होता है ना कि आप मशीन लेके गए, हाँ, तो मोटर आप खुद से सोचते हैं जो हम इस कंपनी का ले चाहे उस कंपनी का ले जिस कंपनी का ले, तो आप अपने पसंद से मोटर ले सकते हैं। अगर हमें बोलेंगे तो हम मोटर लगा के दे देंगे। मोटर का क्या प्राइस? मोटर का प्राइस अलग से लगेगा, जो भी लगेगा। लगभग अभी क्या प्राइस? अगर 10 HP का लेते हैं तो मान लीजिए समथिंग 40,000 रुपये पड़ेगा लगभग। अच्छा, 10 HP के मोटर का। और हर एक कंपनी का अलग रेट होता मतलब है। क्या क्या सारे पीसने के सारे काम हो सकते हैं, जो आप पीस सकते हैं, चाहे मसाले हो, आटे हो, पीस सकते हैं, कुछ भी पीस सकते हैं। मिर्चा पीसने में प्रॉब्लम है, बाकी सब कुछ पीस सकते हैं। अच्छा, और इसमें ये जो मशीनें हैं, जो पुरानी मशीनें होती थी, पुराने मशीनें पत्थर का समस्या बार बार होता था, इसमें कितना दिन तक ये ब्लेड कितना दिन तक चल सकता है? लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम का नहीं तो लाइफ टाइम है, मतलब चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। इसमें एक बार आप लगा दिए, हाँ, चलता ही रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच में कोई झंझट नहीं, कोई झंझट नहीं है। अच्छा अच्छा, एक बार जो लगा दिए चलता ही रहेगा। और कोई मशीनें आपके पास अभी प्रेजेंट टाइम में उपलब्ध हो, जैसे कि आटा चक्की मशीनें हो गया, पेपर प्लेट की मशीनें, और धान थ्रेसिंग करने की मशीनें, हाँ, और पावर टिलर, ये चार मशीनें आपके पास उपलब्ध है, तो इसके अलावा और कौन कौन सी मशीनें आप बना सकते हैं? मशीनें तो हम सब बना, लेमिनेशन मशीन बनाते, पेपर प्लेट से जुड़ी हुई सारी मशीन बनाते हैं, और स्क्रैबर से। अच्छा। स्क्रैबर पैकिंग मेकिंग सारी मशीनें बनती है। स्क्रबर पैकिंग मशीन भी आप बना सकते हैं। इसका सप्लाई आप कहाँ तक देश भर में दे सकते हैं, कहाँ तक दे सकते हैं? सप्लाई तो जहाँ तक हो वहाँ तक देते हैं, सप्लाई कोई दिक्कत नहीं है, डिलीवरी कहीं भी करा सकते हैं, डिलीवरी कहीं भी हो जाती है। जो पेपर प्लेट की मशीनें हैं, उसका रॉ मटेरियल कैसे उपलब्ध होगा? रॉ मटेरियल तो जितना चाहिए आपको मिलेगा, रॉ मटेरियल कोई दिक्कत नहीं है। रॉ मटेरियल अगर जिस एरिया में मशीन जा रहा है ना, उस एरिया का जो भी हमारा मशीन चल रहा है लेमिनेशन मशीन, वहाँ हम कॉन्टेक्ट कराए थे, वहाँ से आप रॉ मटेरियल लीजिए। जैसे सिवान ये जिला है, और सिवान से दूर कोई जिला है, जैसे कि जमुई हो गया, लखीसराय, भागलपुर हो गया, तो उस एरिया में आप मटेरियल कैसे? हर एरिया में मशीन लगा हुआ है, लेमिनेशन मशीन हर एरिया में लगा हुआ है, आपको जहाँ नज़दीक पड़ेगा वहाँ से हम लोकेशन दे देंगे आपको, वहाँ से ले जाइए, वहाँ से मटेरियल मिल जाएगा। और इधर हम देख पा रहे हैं कि एक वो सिंगल पेपर प्लेट का भी मशीन है, सिंगल डाई पेपर प्लेट। तो सिंगल डाई पेपर का क्या है, इसका क्या कितना प्राइस पड़ जाता है? इसका प्राइस है, अगर आप बफर वाला भी लेते हैं, इसमें बफर भी बनता है। बफर मतलब? बफर वो मोटा जो सीट होता है ना, कूट वाला, हाँ, जो हाथ में खाना ले खाते हैं, हाथ में पतल लेकर के। अच्छा, मोटा, हाँ हाँ, वो भी इसमें बनेगा। तो इसका क्या प्राइस पड़ता? इसका प्राइस है 35,000 रुपया मोटर के साथ। मोटर के साथ एक डाई आपको मिलेगा, 4 इंची या 5 इंची कोई भी डाई। अच्छा। बाकी डाई अलग से मिलेगा आपको। बाकी डाई अलग से हमें खरीदना पड़ेगा। हाँ, खरीदना पड़ेगा। और एक मशीन देखे आपके वीडियो में, मैंने देखा था जब आपकी वीडियो को हम देख रहे थे, तो जो फोम वाला प्लेट है उसकी भी शायद मशीनें थी। उसकी मशीनें बन रही थी, काफी बनी हुई है, लेकिन मशीन बंद हो गया ना, अब थर्मोकोल बंद हो गया, इसके वजह से मशीन बंद हो गया, तो वो मशीनें अभी नहीं बन रही है, अब बंद हो गया, बिल्कुल बैन हो गया है ना थर्मोकोल। ये मशीनें किस चीज की मशीन है? ये हाइड्रोलिक मशीन है, पेपर प्लेट का ये मशीन है, अभी ये हाइड्रोलिक है, पेपर प्लेट के लिए है। अच्छा, अभी पेपर प्लेट के लिए है ये मशीनें। अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि मशीनें बन ही रही है ना, अभी मशीन यहाँ पर बन रही है, हाइड्रोलिक मशीन, पेपर प्लेट, सब मशीन। हम जो भी मशीन बनाते हैं खुद से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोई भी मशीन हो हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग। अब एक और बात है कि हम आपके साथ वीडियोज कर रहे हैं, हमारी वीडियोज को देख करके लोग, कोई लोग आते हैं आपके पास, तो उसे क्या सुविधा देंगे, उसके बारे में कुछ बताएं? बहुत सुविधा मिलेगा, बहुत सुविधा मिलेगा। और कुछ लोगों का कहना है कि वीडियोज देख के मशीनें खरीदने जाते हैं, तो जो आप वीडियो में बताते हैं वो प्राइस वहाँ पर नहीं मिल पाता है, तो अगर हमारी वीडियोज को देख करके कोई आपके पास आता है, तो क्या उसके पास प्राइसिंग का कोई प्रॉब्लम हो सकता है? अगर जो उसमें अगर 1 रुपये का भी फर्क पड़ेगा प्राइसिंग का, तो बताएंगे हमसे। अच्छा, आपके पास कमेंट करेंगे कि अच्छा, हाँ, आप ऐसा बोले थे। तो जैसा कि बता रहे हैं भैया कि अगर आप हमारी वीडियोज को देखकर मशीनें खरीदने आते हैं, प्राइसिंग में थोड़ा सा भी डिफरेंट पड़ता है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम इनसे बात करेंगे, ताकि आपको मशीनें खरीदने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो।
यहाँ पर देख सकते हैं आरके इंजीनियरिंग के अंतर्गत हम धान थ्रेसिंग मशीन के बगल में है। ये बिल्कुल नई मशीन है धान थ्रेसिंग करने के लिए, क्योंकि पुराना जो तरीका है उस तरीके से आज तक धान थ्रेसिंग होते आया है। और इस मशीन के जरिए आप बेहद ही आसानी से अपना धान का थ्रेसिंग कर सकते हैं, उससे जो दाना निकलता है अलग कर सकते हैं, उसका जो नेवारी कह सकते हैं आम भाषा में लोग कहते हैं उसको अलग कर सकते हैं। तो इस मशीन की खासियत समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। सर थोड़ा आइए और समझाइए मशीन क्या क्या है और कैसे काम करता है इस मशीन में। देखिए इस मशीन में है कि जी, इस मशीन में बिल्कुल मतलब धान जो भी हम डालते हैं इधर सब डालेंगे धान, और जो हम इधर से धान डालेंगे और जो इसमें पुआल है वो आप उधर से निकाल देगा। और इसमें डबल पंखी है, एक यहाँ पंखी है और एक यहाँ पंखा लगा हुआ है, यहाँ से धान बिल्कुल ओसा करके निकालेगा बाहर। तो पुआल जो है पुआल का क्या स्थिति रहेगा, वो तो एकदम खत्म हो जाएगा ना? पुआल तो सब पुआल बना रहता है। अच्छा, पुआल एकदम खत्म हो जाएगा लेकिन धान फ्रेश हो जाएगा, धान एकदम फ्रेश निकालेगा, एकदम साफ करके निकालेगा बिल्कुल एकदम। तो पुआल जो उधर निकलेगा वो किस तरह से निकलेगा? पुआल तो इसमें फंसेगा नहीं? नहीं, इसमें नहीं फंसेगा ना, वो लगा है ना निकालने के लिए। अच्छा, वहाँ से निकलेगा सब, बाहर निकल जाएगा एकदम सेम प्रोसेस जैसे ट्रैक्टर से होता है ना, वही प्रोसेस है। जैसे ट्रैक्टर से गेहूं का थ्रेसिंग होता है उसी तरह से धान का थ्रेसिंग हो जाएगा इस पे। और इसमें मोटर कहां पर रहेगा? मोटर यहां पे रहेगा। इस मशीन का इस्तेमाल आप मोटर से, डीजल से, दोनों तरीके से कर सकते हैं, जैसे चाहें उसे कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है मशीन बहुत हल्का है, छोटा है, तो जिधर चाहें उधर ले जाकर के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके कैपेसिटी के बारे में बताइए, कितनी क्षमता है इसका? कैपेसिटी इसका है, अगर एक घंटा आप चलाते हैं तो 300 kg धान निकाल देगा एक घंटे में। अच्छा, और ये मशीन कितने दिन तक चल सकती है? इसका मशीन का क्या वैल्यू है? मशीन तो काफी दिन तक चलेगा, मशीन का तो लाइफ है, क्योंकि ये बिल्कुल नई इंजीनियरिंग है, पहली बार मैं देख रहा हूँ, इसलिए हमारे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि इस तरह के मशीन मतलब सक्सेसफुली रोटेट कर पाएंगे क्यों नहीं, क्योंकि पुराने तरीके से लोग धान का थ्रेसिंग करते आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो अगर इस मशीन में कोई प्रॉब्लम आती है उन्हें धान थ्रेसिंग करने में, तो आप उसे किस तरह से सपोर्ट करेंगे? हाँ, पूरा सपोर्ट है हमारे तरफ से। एक साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक साल तक कोई भी प्रॉब्लम आएगा उसका हमारा मतलब एक साल की फुल वारंटी है मशीन। गारंटी है, गारंटी एकदम बिल्कुल। अच्छा, प्राइस मोटर के साथ बताइए। प्राइस मोटर के साथ है 35,000 रुपये। 35,000 रुपये 2 HP का मोटर होगा। अच्छा, और मोटर के विदाउट मोटर? विदाउट मोटर आपको मोटर का रेट कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? 7,000 रुपया। 7,000 रुपया तो मशीन का जो प्राइस है वो भी बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। तो अभी धान का सीजन चल रहा है, धान रोपाई चल रहा है, 2-3 महीने में आपका धान तैयार हो जाएगा। तो इस हिसाब से इस मशीन को आप ले सकते हैं आरके इंजीनियरिंग के जरिए। और यहाँ भाई साहब जो हैं आरके इंजीनियरिंग के, ये मशीनें आपको घर तक भी उपलब्ध करा सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और उनका जो प्राइस होगा, डिलीवरी चार्ज? हाँ, और डिलीवरी चार्ज आपको देना पड़ेगा, डिलीवरी चार्ज कस्टमर को पे करना पड़ेगा, उसके बाद उसको घर तक जहाँ ऑल इंडिया मशीन पहुंच जाएगी, कहीं भी जहाँ पहुंच। अच्छा, तो अगर इस मशीन को आप लेना चाहते हैं धान थ्रेसिंग करने के लिए, तो इस मशीन को जरूर लीजिए ताकि आपका काम आसान हो, साथ कर किसान भाइयों के लिए। थैंक यू।